हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट का यूज करके कुछ इस तरह की न्यू ट्रेंडिंग बिफोर आफ्टर फोटो रील्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो कलर प्लेटर्स के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम बनाने वाले हैं कैपकट ऐप का यूज करके। तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन इसे आप सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज करने से पहले आपको किसी वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी इंस्टॉल कर लेना एंड उसे ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे सुपर वीपीएन को ओपन कर लिया। उसके बाद एक कनेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड कुछ टाइम तक आपको यहाँ पे वेट करना होगा। देन आप वीपीएन से कनेक्ट हो जाओगे, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ ही सेकंड में हम यहाँ पे कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आपको अपना कैपकट को ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे फोटो में आ जाना है। ठीक है, क्योंकि हम फोटो का ही तो बिफोर आफ्टर बनाने वाले, सो फोटो वाले सेक्शन में आप आ जाना। देन सबसे पहले आप यहाँ पे बिफोर मतलब कि जो नॉर्मल वाली फोटो है उसे आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, लाइक ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे आफ्टर वाली फोटो को सेलेक्ट कर लेना। देन आपको यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड हाँ, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो तरीका बहुत आसान है, लिटरली बता रहा हूँ, हद से ज़्यादा आसान है। आप तुरंत वीडियो बना लोगे। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे इस टाइप के ट्यूटोरियल हैं बट वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और अगर बात करें तो इस टाइप के जो वीडियो होती है ना, वो पीसी वगैरह में बनता है। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको कैपकट में बना के दिखाऊंगा, वो भी सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर से देखें। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा ऐड हो गया। ऐड हो जाने के बाद आपको सबसे पहले म्यूजिक ऐड कर लेना है, क्योंकि वही म्यूजिक के अकॉर्डिंग सारा एडिटिंग यहाँ पे होने वाला है। तो जस्ट ऑडियो के ऊपर आप क्लिक करना, फिर यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। देन उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे डिवाइस के ऊपर क्लिक करके उस म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना है। म्यूजिक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिफोर आफ्टर करके उसका नाम है, आप देख सकते हो। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप सर्च के ऊपर जाके बिफोर आफ्टर लिख देना, वो आ जाएगा। ठीक है, देन आप यहां से प्लस के ऊपर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेना। मैं अगेन बोल रहा हूं, इस म्यूजिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड यही म्यूजिक इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा ट्रेंड पे है, वायरल हो रहा है। ठीक है, तो आप इसी को यूज करना जिससे कि आपका रील वीडियो भी वायरल हो सके। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे ये जो बिफोर है और ये आफ्टर है, इन दोनों के बीच में आपको एक ट्रांजिशन ऐड करना होगा। ठीक है, तो वो जो ट्रांजिशन है उसे ऐड करने के लिए सिंपली से ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपको काफी सारे ट्रांजिशन मिलते हैं जिनमें कि आपको मिक्स को यूज करना है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे देन आपको यहाँ पे एक मिक्स दिख जाएगा, इसे सेलेक्ट कर लेना। ड्यूरेशन ज्यादा नहीं रखना है, 0.4 या 5 रख के जस्ट डन कर देना। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। नाउ अब आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है। जी हाँ, मैंने सारा एडिटिंग को एक टेम्पलेट वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसे टेम्पलेट वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से उसे भी सेव कर लेना। देन यहाँ पे ओवरले का आपको ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके ऐड ओवरले के ऊपर आप क्लिक करना। देन वीडियो वाले सेक्शन में आप आ जाना। ठीक है, वीडियो वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला ओवरले को सेलेक्ट कर लेना है, या फिर यू बोलो टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप सेलेक्ट कर लेना, फिर ऐड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सारा एडिटिंग किया हुआ है। सिर्फ हमें यहाँ पे इसे अच्छे से एडजस्ट करना होगा और ये जो ग्रीन स्क्रीन है उसे हटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे पूरा स्क्रीन में अच्छा से, लाइक इस तरीके से। ठीक है, एडजस्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, फिर आपको रिमूव बिजी का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पे एक क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से इस तरीके से आप ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ग्रीन कलर सेलेक्ट होने के बाद आपको इंटेंसिटी एंड शैडो दिखता है, तो इंटेंसिटी के ऊपर आके आप इसे यहाँ पे 50 से 60 के आसपास इंक्रीज कर देना। देन ये जो शैडो है इसके ऊपर क्लिक करके इसे भी आपको 20 से 30 के बीच में आपको इसे भी इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे 26 रख ले रहा हूँ, आप भी ये सेटिंग रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डन कर देना है। डन आप कर दोगे देन आप यहाँ पे देख पाओगे आपका जो एडिटिंग है उसमें ये वाला जो इफेक्ट है वो बन के हमारा रेडी हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो।
तो ये जो पार्ट है वो हमारा बन के रेडी हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो फोटोज़ वगैरह है इन्हें अच्छे से एडजस्ट करना है। लाइक हमारे इसे टेम्पलेट में ही आप देख सकते हो बिफोर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि कितना दूर तक बिफोर का फोटो रखना चाहिए। तो उतना दूर तक आपको बिफोर का फोटो रखना होगा, तो बिफोर वाले फोटो के ऊपर आप क्लिक करना, फिर यहाँ से इसे इनक्रीज करना, ठीक है। लाइक बिफोर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो इतना दूर तक हम इसे रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फोटो को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट होने के बाद यह स्टार्टिंग वाला पार्ट आप यहाँ देख सकते हो, हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ओके, बट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक ये हो गया तो थोड़ा कम कर लेते हैं इसका ड्यूरेशन हम। ओके, सो फर्स्ट वाले किस तरीके से ड्यूरेशन आपको एडजस्ट कर देना है, फिर यहाँ पे आपका ये जो सेकेंड वाला इमेज है इसके ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन आप म्यूज़िक के साथ मैच कर देना, मतलब कि जितना दूर तक म्यूज़िक है वहाँ तक आपको रख देना है, ठीक है। तो ये भी एडजस्ट हो गया। सो दोनों फोटो हमारे एडजस्ट हो चुके हैं। नाउ अब आपको यहाँ पे इसमें जो ब्लैक कलर होता था ना, हाँ, वो ब्लैक कलर वाले आपको एडिटिंग करनी होगी, वो भी करना काफ़ी आसान है, ठीक है। लाइक जहाँ से आपका ये पूरा सर्कल बन जा रहा है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो हमारा पूरा सर्कल बन गया, तो यहाँ पे आप आना, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। देन आपको यहाँ पे एक सेचुरेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसे बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है, -100 करके डन कर देना है। ओके, अब डन करने के बाद इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसे आपको हटा देना है, तो इस तरीके से आप ट्रिम कर लेना, फिर इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देना यहाँ तक। ओके, थोड़ा सा इसे और इंक्रीज कर लेते हैं, इतना ही इनफ रहेगा। ओके, इतना करने के बाद ना आपको इसमें थोड़ा सा की फ्रेमिंग करना होगा, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आना एंड यहाँ पे की फ्रेम के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इसे आपको 0 रखना है, ठीक है, शुरू वाले में 0 रखना है, फिर थोड़ा सा आपको आगे जाना है एंड यहाँ पे इसको माइनस में कर देना है, फिर थोड़ा सा आप आगे जाना एंड यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देना। ओके, उसके बाद फिर से आपको पूरा लास्ट में आके इसे 0 कर देना। तो यहाँ पे आपने देखा हमने क्या किया कि बिल्कुल स्टार्टिंग में 0 हमने रखा है की फ्रेम के साथ, उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद -100 में रखा, यहाँ पे भी लास्ट में सिर्फ हमने फिर से 0 कर दिया। तो ये काम आपको कर देना है, फिर आप यहाँ से बैक करना, तो कलर वाला भी काम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। थोड़ा सा ये हमारा डिले हो रहा है, मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट हो गया ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद आपको सिर्फ अपना जो फोटो है उसमें मोशन ऐड करना है, तो मोशन ऐड करने के लिए आप अपने फोटो के ऊपर क्लिक करना, फिर से इसे की फ्रेम के हम यूज़ करने वाले हैं। तो जब आपका ये प्लेट बन जाए, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये सर्कल वाला बन गया, तो यहाँ पे आप आना, फिर ये की फ्रेम के ऊपर क्लिक करना, थोड़ा सा आप आगे आ जाना एंड फिर से की फ्रेम के ऊपर क्लिक करके इसे जूम कर देना इस तरीके से, ठीक है, जूम हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है एंड एक की फ्रेम और देना है एंड लास्ट से थोड़ा सा पहले, ठीक है, पूरा लास्ट में आप मत जाना, थोड़ा सा पहले ही रहना, फिर की फ्रेम के ऊपर क्लिक करना एंड इसे बिल्कुल सेम साइज पे आपको लेके आ जाना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख पाओगे ये वाला भी एनिमेशन हमारे यहाँ बन के रेडी हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो। बट ये ना हमारा थोड़ा लेट से बना है, इसे स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था हमने थोड़ा लेट से किया है, तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट को यहाँ रखते हैं और ये हमारा गलत पॉइंट है तो इसे हटा देते हैं। ओके, नाउ अब आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली हमारे ये जो एनिमेशन है वो भी बन गया। अब इस एनिमेशन को ना आप और अट्रैक्टिव बना सकते हो, जैसे कि ये दोनों बीच में ये मूवमेंट हो रहा है ना, तो इस मूवमेंट को आप और बेटर बना सकते हो। यहाँ पे आपको ग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, फिर ये जो ईज आउट है इसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ लास्ट में भी आना एंड इन दोनों ग्राफ के बीच में आके इसे सेलेक्ट करके डन कर देना, तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये और बेटर बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप ये वाले जो वीडियो है इसे बना सकते हो, काफ़ी आसान है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, नाउ ऑलमोस्ट हमारी जो वीडियो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। एक और आप छोटा सा चीज़ कर सकते हो, अपना जो फर्स्ट वाला बिफोर वाला इमेज है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे एनिमेशन में जाके एक फेड इन सेलेक्ट कर सकते हो। फेड इन को सेलेक्ट करना, थोड़ा इसका ड्यूरेशन आप कम करके डन कर देना। देन आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का वीडियो बन जाएगा जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा, लाइक आप देख पा रहे हो, और वो भी हमने यहाँ पर काफ़ी आसानी से कर लिया, ठीक है। कलर प्लेट वगैरह तो मैंने आपको बना के ही यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, आपको सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बहुत छोटी मोटी एडिटिंग करनी थी, आपकी वीडियो बन गई। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए यहां पे आप क्लिक करना, क्वालिटी को पूरा मैक्सिमम कर देना, ठीक है,
मैक्सिमम क्वालिटी सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो वीडियो होगा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो भी अच्छे क्वालिटी में। ओके, तो आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ आ चुके हैं कैसे इस टाइप की वीडियो बनानी है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप एक बार वीडियो को फिर से प्ले कर लेना, आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।